दोस्तों आज बात करते एक सच्ची घटना की जो बावरिया वेस्ट जर्मनी की रहने वाली एनालीज मिशेल के साथ घटी थी। एनालीज मिशेल जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था। एनालीज मिशेल एक बहुत खूबसूरत और शांत मिजाज की लड़की थी। इस लड़की में 6 डिमॉन्स हावी थे जिसे जिन या शैतानी ताकत कहते हैं। ये बहुत रिलीजियस फैमिली से थी। ये हमेशा चर्च जाती थी और कैथोलिक क्रिश्चियन थी। शुरुआत में सब ठीक था मगर जब ये करीब 16 साल की हुई तब अचानक से एक बार स्कूल में बेहोश हो गई। फिर जब ये होश में आई तब से मुश्किलें और बढ़ने लगी। इसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी। उस रात जब वो सोई तो उसे बहुत भारी दबाव अपने शरीर में महसूस हुआ और ठीक इसके 1 साल बाद इसके शरीर में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अजीब अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर दी और इसकी तबीयत बद से बदतर होने लगी। खाना पीना सभी छोड़ दी थी। इसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। इसको अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके घर वालों ने सोचा कि मिशेल को स्प्लिट पर्सनालिटी है, इसलिए मिशेल को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए इलाज के लिए। मगर जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया और पाया कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है, तब इसके घर वाले मिशेल को घर वापस लाए। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर से उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, अजीब अजीब हरकतें करने लगी। फिर इसे घर वाले दोबारा हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने मिशेल की फिर से जांच की मगर कोई भी बीमारी नहीं पाए। डॉक्टर भी परेशान थे कि ये कोई अननोन डिजीज़ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। दोबारा मिशेल को घर लाया गया और इसके घर वाले तब समझ गए कि इसे कोई बीमारी नहीं है और ना इसका इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है। वो समझ गए थे कि मिशेल के शरीर में किसी और का कब्जा है। फिर मिशेल ने लगभग 6 अलग अलग आवाज़ों से बात करना शुरू कर दी। इसके घर वालों के होश उड़ गए ये सब देखकर। मिशेल ने खाना पीना छोड़कर कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर दिया, खुद का यूरिन पीना शुरू कर दी, मतलब इसके शरीर में इसका कोई कंट्रोल नहीं था। फिर ये चर्च जाना भी बंद कर दी और सभी धार्मिक चीज़ों से नफरत करने लगी, मतलब ये पूरी तरह डेमोनिक हो गई थी। तब इसके घर वाले परेशान होकर पादरी के पास गए और एक्सॉर्सिज्म करने को बोले। यहाँ पर बता दो कि एक्सॉर्सिज्म का मतलब डेमोनिक पोजिस्ट के ऊपर धार्मिक रिचुअल्स की जाती है जिसे एक्सॉर्सिज्म कहते हैं। अंततः चर्च ने एक्सॉर्सिज्म की इजाज़त दे दी और अपने प्रीस्ट को मिशेल के घर भेजा और एक्सॉर्सिज्म शुरू किया गया। मिशेल हर वो काम उल्टा करती जो प्रीस्ट करने को बोलते। एक एक्सॉर्सिज्म में कम से कम 6 घंटों का समय लगता था। इसके दौरान मिशेल 6 आवाज़ों में बात करती थी जो बहुत ही भयानक था। वो ताकतें इतने सालों में बहुत ही मजबूत हो गई थी। एक्सॉर्सिज्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो प्रीस्ट के ऊपर पागलों की तरह हंसा करती थी। मिशेल के ऊपर 67 एक्सॉर्सिज्म किए गए जो वीक में 1 से 2 बार किया जाता था, जिससे मिशेल बहुत कमज़ोर होती गई, खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दी और
इसका वज़न घटता चला गया और वो सिर्फ 30 किलो की हो गई। एग्जॉर्सिज्म की वजह से शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। फाइनली 1 जुलाई 1976 को मिशेल की मौत उसके घर में हो गई। मौत का कारण डिहाइड्रेशन एंड मल न्यूट्रिशन पाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।